नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बर्फी देवी की बेटी नीलम घर में एक बार फिर से तूफान खड़ा करती हैं और घर में ये बोलती हुई नजर आती हैं कि जो घर में हो रहा है मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा, मेरे कुछ से कोई राजी खुशी नहीं पूछ रहा, सब मीत हुड्डा को ही पूछ रहे हैं। और मीत अलावत से बर्फी देवी की बेटी नीलम ये भी बोलती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे लगता है तुम मीत हुड्डा से प्यार करते हो, जिसके बाद मैं मीत हुड्डा के लिए बोलते हुए नजर आते हैं मीत अलावत कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे शादी की है तो मैं इस शादी को निभाऊंगा और निभाने से ज़रूरी मेरे लिए हो चुका है कि मुझ पे जो मजबूरी है ये मेरी मजबूरी भी है तुमसे शादी करके निभाना भी। साथ ही दोस्तों इस समय पूरे का पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया है मीत अलावत ने। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों वाकई में हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा कोशिश कर रही हैं कि दोनों बाप बेटा यानी मीत अलावत और राजवर्धन दोनों बाप बेटा के बीच में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा ने हमेशा से ही इस घर के बारे में काफ़ी ज़्यादा भला सोचा है। लेकिन दोस्तों बदले में मीत हुड्डा को क्या मिला है, बदले में मीत हुड्डा को सिर्फ बुराई के अलावा कुछ नहीं मिला है इस घर से। और आने वाला एपिसोड भी और भी ज़्यादा घना दिलचस्प तब देखने को मिलेगा जब पूरा परिवार मीत हुड्डा के साथ खड़ा नजर आएगा और बर्फी देवी मीत हुड्डा से उस घर से निकलने के लिए बोल देंगी। क्योंकि बर्फी देवी की बात की जाए तो बर्फी देवी ये बोलती हुई नजर आ रही हैं कि मीत हुड्डा जब तुम्हें ये अपना ना रहे और मेरी बेटी से शादी की है तो तुम मेरे बेटी का घर क्यों तोड़ रही हो। इस तरीका से मीत हुड्डा को बाहर भेजने की प्लानिंग बना रही हैं बर्फी देवी। वहीं पे ही बर्फी देवी को एक बार फिर से जवाब देते हुए नजर आएंगे मीत अलावत के फादर यानी कि राजवर्धन। राजवर्धन बोलते हुए नजर आएंगे कि मेरे बेटा बहू से अगर तुमने आंदा को कुछ बोला तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरे घर में तो तुम्हारा भी कुछ काम नहीं है फिर भी तुम रह रही हो ना। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ, थैंक यू।